नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोवाणी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो आप सब देख चुके हैं, वो है कि कैसे आप बुरी नज़र से बच सकते हैं, अपनी नज़र को इस तरीके से उतार सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी आपको कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। और अगर आपके घर परिवार पर, घर के लोगों पर, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर या आपके ऊपर खुद पर भी अगर बुरी नज़र लगी है या आपको लगता है कि कोई किया कराया है आपके घर पर, आपके ऊपर बुरी नज़र डाली है किसी ने या कोई जादू टोना किया है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, आपके परिवार को सेहत ख़राब रहती है इसके बाद आपकी, या आपके पैसे नहीं जुड़ते, तरक्की नहीं हो पाती है और आपको ये लगता है, आपको कहाँ, कई लोग बता भी देते हैं कि हाँ आपके ऊपर नज़र लगी, आपको किसी ने कहा भी है कि आपके ऊपर नज़र लगी है, आपके घर पर नज़र लगी है, किया कराया है किसी ने, तो आपने ऐसा क्या करना है कि वो नज़र आपकी हट जाएगी, दूर हो जाएगी। एक तो नज़र उतर जाएगी, दूर हो जाएगी, और ये एक ऐसा उपाय, कभी भी ज़िंदगी में आपको किसी की भी नज़र नहीं लगेगी, आपके परिवार पर किसी की भी नज़र, बुरी नज़र नहीं लगेगी, कोई भी किया कराया नहीं हो पाएगा, जादू टोना कुछ भी आपके परिवार के सामने से लग कर भी निकल जाएगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको ऐसा क्या करना है? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि बुरी नज़र किया कराया कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हम किसी पर भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे घर के अपने ही होते हैं, हमारे घर के आसपास के लोग ही होते हैं जो ज़्यादातर ये सब किया कराया, जादू टोना करते हैं, क्योंकि उनको हमारे घर के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, काफ़ी डिटेल पता होती है, इससे ज़्यादातर ये लोग अपने ही करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे एक जलन की वजह से, या ऑफिस में अगर आपको किसी की कोई जलन हो रही है, अगर आप उससे आगे हैं, या आपके आस पड़ोस के लोग भी हो गए, तो ये लोग भी जादू टोना किया कराया आपके ऊपर कर सकते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, जलन है आपसे या कुछ भी रीज़न कर सकते हैं जिसकी वजह से ये आपके ऊपर बुरी नज़र डाल सकते हैं। और बुरी नज़र के प्रभाव बहुत बुरे होते हैं, इसलिए इसे बुरी नज़र कहा जाता है। इसके प्रभाव इतने बुरे होते हैं कि आपको बिल्कुल ज़मीन पर ला देते हैं, आपकी सेहत एकदम ख़राब रहने लग जाती है, पैसे बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, आर्थिक तंगी, लड़ाई, झगड़े, आपकी सेहत स्पेशली बहुत बीमार रहती है। अगर आपके ऊपर बुरी नज़र किसी ने डाली है, जादू टोना किया है, तो सबसे पहला असर आपकी सेहत पर होगा, उसके बाद आपकी धन दौलत पर होगा। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ बहुत हो रही हैं और आपको डाउट है कि मेरे ऊपर पक्का किसी ने किया कराया है, क्योंकि आप हर एक उपाय कर चुके हैं, हर एक मेहनत कर चुके हैं, उपायों से भी आपको असर नहीं मिल रहा है, आपको क्या कहते हैं, मेहनत से भी असर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। आपको अगर डाउट है कि आपके ऊपर किसी ने, आपको शक भी है किसी के ऊपर, तो आपने ये उपाय करना है जिससे कि आपकी बुरी नज़र उतर जाएगी, आपके ऊपर किया कराया, आपके परिवार के ऊपर किया कराया बिल्कुल हट जाएगा। और ये उपाय ऐसा है कि किया कराया तो हटेगा, बुरी नज़र तो हटेगी, इसके साथ साथ ज़िंदगी में कभी भी आपको बुरी नज़र का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर वो बंदा नज़र रख भी रहा है, बुरी नज़र भी रख रहा है, तो आपके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो में। लेकिन आपको जैसा कहा है आपको वैसा करना है। अब मैं पहले बताऊँगी कि जिस व्यक्ति के ऊपर बुरी नज़र आपको लगती है, कि अगर आपको लगता है मेरे खुद के ऊपर बुरी नज़र लगी है, तो अपनी मम्मी से, बहन से, किसी से भी ये चीज़ करवा सकते हैं अपने ऊपर। और अगर आपको लगता है कि पूरे घर पर बुरी नज़र है, हमारे घर पर ही किसी ने बुरी नज़र रखी है, तो उसका भी बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर बुरी नज़र रखी है तो आपने क्या करना है। वीरवार के दिन आपने उपाय करना है, यानी कि गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन आपने सुबह के वक्त बिना कोई अन्न का दाना अपने मुंह में डाले, पानी पी सकते हैं, बिना कोई अन्न का दाना मुंह में डाले आपने ये उपाय करना है। अगर आपके ऊपर किसी की नज़र लगी है, अपनी मदर को या सिस्टर को, ब्रदर को, किसी को भी कह सकते हैं कि इस तरीके से मेरी नज़र उतार दीजिए, तो वो उतार देंगे। और अगर आपके घर परिवार पर लगी है, तो मैं आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। पहले मैं आपको बताऊँगी अगर आपके ऊपर नज़र लगी है तो आपने क्या करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर नज़र लगी, अपने वाइफ को, माता जी को बोल सकते हैं कि उन्होंने, जैसे आपकी वाइफ नहीं, थोड़ा सामान अपने हाथ में दे लेना है, ठीक है। किसी लिफाफे में भी ये सामान आप डाल सकते हैं, जैसे कोई भी लिफाफा ले ले, सफ़ेद रंग का लिफाफा ले ले या काले रंग का लिफाफा ले ले, कोई भी लिफाफा ले सकते हैं, पॉलिथीन ले सकते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है, यानी कि एक चम्मच आपने नमक डालना है, एक चम्मच आपने राई डालनी है, पीली सरसों आपने लेनी है, थोड़ी सी पीली सरसों आपने डाल देनी है, सूखी तीन लाल मिर्चें, बड़ी सूखी तीन लाल मिर्चें होती है वो डाल देनी है, ये सब का पैकेट जो बना पॉलिथीन से आपने बना लेना है,
इन जो पैकेट को आपने जो व्यक्ति पर नजर लगी है, ठीक है, अगर उसकी वाइफ कर रही है तो उसकी छाती से वो पैकेट लगाना है, थोड़ी देर के लिए उसकी छाती से पैकेट लगाना है। और एक मंत्र मैं बोल रही हूँ वो बोलना है, छाती से आपने पैकेट लगा दिया उसकी, आपने बोलना है ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः, ये आपने 21 बार बोलना है उसकी छाती से। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, उसकी छाती से ये आपने लगा देना है, वो जो पूरा पैकेट लिफाफा होगा इसमें सब चीज़ें हैं, उसकी छाती से लगाकर ये मंत्र आपने 21 बार बोलना है, क्योंकि उसके ऊपर ये मंत्र करना है कि उसकी नज़र उतरे तो उसकी छाती से आपने लगाना है, अपने दोनों हाथों से 21 बार ये मंत्र बोलना है। उसके बाद वो पैकेट को आपने छत पर या बाहर कहीं पर ही जला देना है, जलाने के बाद उसकी पूरी तरीके से नज़र उतर जाएगी। कभी भी जिंदगी में एक तो नज़र उतर जाएगी और कभी भी जिंदगी में उसको किसी की भी बुरी नज़र लगेगी ही नहीं, ये इसमें वीडियो में मैं आपको गारंटी देती हूँ, नज़र नहीं लगेगी। ये तो हो गया कि किसी व्यक्ति की नज़र उतारना, ठीक है, कि ये व्यक्ति की नज़र उतर गई, या अपने हस्बैंड की आप इस तरीके से उतार सकते हैं, अपने बेटे की, बच्चों की, जैसे भी। अगर आपके पूरे घर पर ही बुरी नज़र लगी हुई है, या एक होता है कि घर की हम कहते हैं कि घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, हमारे घर में एक नेगेटिविटी आ गई है, पता नहीं क्यों हमें अपने घर पे आके अच्छा नहीं लगता, हम बीमार रहते हैं, बाहर ठीक रहते हैं, घर पर आके हमें अच्छा फील नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने जो कपूर आप जलाते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि देखिए कपूर अपने घर पर जरूर जरूर जलाएं, हर एक रूम की तरफ लेते हुए बाहर की तरफ उस धुएं को करें, तो आपकी घर की नेगेटिविटी हट जाएगी। अब इसके साथ क्या करना है, आपने एक मंत्र जो मैंने आपको मंत्र बोला है, जैसे ही कपूर का धुआं आप जलाएंगे इस तरीके से करते हुए धुएं को बाहर की तरफ लेके जाना है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी किया कराया है, नज़र है जो आपकी घर पर लगी है, घर के सारे सदस्यों पर लगी है, तो वो सारी बाहर निकल जाएगी। आपने करना क्या है, कपूर जला ली, इसके साथ यही मंत्र जो आपने मैंने बोला है बोलना है ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः, ये आपने इस तरीके से ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः इस तरीके से मंत्र करते करते हुए धुआं हर कमरे पे, हर रसोई पे, बाथरूम तक में भी, आपने छत पे, वो सीढ़ियों में, ये सारा करते हुए पूरे मेन गेट से धुएं को पूरा बाहर कर देना है। ये चीज़ आपने करनी है, और जो ये चीज़ है, जो कपूर जलाने की चीज़ है, ये आपने शाम के वक्त करनी है, 4 से 6 के बीच आपने करनी है, सूरज ढलने जाने के बाद भी नहीं करनी, हल्का हल्का जब सूरज रो, थोड़ा सूरज हो, तब आपने ये चीज़ करनी है। इससे आप देखेंगे कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी, जो भी जादू टोना किया है, जो नज़र लगी है, वो सारी निकल जाएगी, नेगेटिविटी हट जाएगी। और जो इंसान के ऊपर नज़र लगी है, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे करनी है, वो आपने उस तरीके से करनी है। तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर जितनी भी बुरी बलाएं हैं, नेगेटिविटी है, कोई बुरी नज़र है, किया करा है, वो सारा का सारा ही निकल जाएगा। ऐसा आपने गुरुवार के दिन करना है, और सिर्फ एक बार करना है। और जो कपूर जलाने का मैंने बताया, वो भी आपने गुरुवार के दिन सिर्फ एक बार शाम के टाइम करना है। तो इसे आप कीजिए, देखिए आपको बहुत फायदा होगा, और हर तरीके की बुरी नज़र आपके ऊपर से हट जाएगी, और कभी ज़िंदगी में आपको बुरी नज़र नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।